पंजाब या कि पंजाब की धरती के आले दुआले जिन्हें भी पानी बगते हैं ना, इतने की खूबसूरती बहुत ही बाकमाल है। जो बॉलीवुड के चर्चा का विषय रहती है, अज साडे नाल इत्थे मौजूद है रुषिता वैद्य। उदा किन्नी बार चंडीगढ़ आए हो अज? मैं दसो काफ़ी बार आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चंडीगढ़ आना। चंडीगढ़ और मुंबई में काफ़ी डिफरेंस नहीं है, तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं कहीं और आ गई हूँ, लेकिन यहाँ के लोग बहुत वार्म है। जब भी आते हैं सब ना बहुत प्यार से रहते हैं, एंड आई रियली एंजॉय हियर। तो काफ़ी बार आए। कितने का साल ना दे हो तुसी? 19 तो जब आप टीनएज की गल करते हैं, क्योंकि टीवी तो रुझे रहेंगे, काम करना बहुत औखा है टीवी का, क्योंकि 24 घंटे भी शिफ्ट चलती है। सो हाउ यू मैनेज योर स्टडी विद इन दिस? सी बहुत ऑफकोर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना। कि कहते हैं ना, जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे रास्ता अपने आप मिल ही जाता है, तो हो जाता है मैनेज, कर लेते हैं मैनेज। जब टीम अच्छी हो, जब सब सपोर्टिंग हो, फैमिली सपोर्टिंग हो, तो हो जाता है। अच्छा, ये भी बड़ा देखा गया है कि हमेशा आप बालिका वधू या बैरिस्टर बाबू वर्गे जिस सीरियल्स की आप जब गल करते हैं, बहुत छोटे छोटे निक्किया निक्किया कुड़ियाँ जो है फिल्म इंडस्ट्री या फिर कही आप टीवी इंडस्ट्री के उपर अपनी ताक पाई हुई है, उसनों रखते हुए बहुत सारा जो है ध्यान पढ़ाई वाल भी देना बहुत जरूरी है, या फिर कई बार इदा होंगे कि पढ़ाई पिछे रह जाती है, करियर जो है पैसा जो है वह बहुत अगे आ जाता है? जी नहीं, देखो एडुकेशन अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और करियर भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई फील कि दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस करो, पढ़ाई भी अच्छे से करो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा एक्टिंग में है तो वो भी अच्छे से करो। अच्छा, तब 19 ईयर तक की कर रहे हो? फिलहाल मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग डिग्री सेकेंड ईयर। अच्छा, टीवी एक्ट्रेस सारे होम डिकोर फैशन डिजाइनिंग ला संबंधित इसलिए रहते हैं कि उन्होंने भी कुछ करना होना है? जी नहीं, देखो एक्टिंग अपने में भी एक आर्ट है, तो मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे अपने आप से ना, अगर मैं एक्टर नहीं भी होती तो कुछ आर्ट ही कुछ कर रही होती। तो जब ऐसा कुछ ऑप्शन आया 12th के बाद कि क्या लूँ, तो काफ़ी ऑप्शंस थे, बीकॉम, बीएमएम, काफ़ी कुछ था, लेकिन आई हैड टू चूज़ आर्ट्स, तो मैंने डिज़ाइन ही चूज़ किया। चलो एक ज्वलंत मुद्दे की गल करते हैं। इस वेले जो सब तो पक्या हुआ मुद्दा जो इस वेले चल रहा है, वो ये है कि किसान अपने जो है दिल्ली उत्थे बैठे हुए हैं, अंबाला तो तुसी बिलोंग करते हो, नेटिव लैंड है, कितने ना कितने किसान दे नाल तुहाडा संपर्क रहा है, तुहानू की लगता है कि सरकार नू करना, क्योंकि बॉलीवुड ते टीवी इंडस्ट्री के बहुत घट लोगों ने जो है समर्थन किसानों नू दिता है? इस पर कोई कमेंट मैं देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आई सपोर्ट फार्मर्स। वो जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं अच्छी बात है, और काफ़ी पीसफुली कर रहे हैं। मैंने जहाँ तक सुना है कि वो कुछ रास्ता वस्ता रोक नहीं रहे हैं या किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, फार्मर्स को भी करना चाहिए, दोनों को ना एक कर लेना चाहिए कोऑपरेट, और आई थिंक बस उसके ऊपर। अच्छा रिपब्लिक की गल करते हैं, रिपब्लिक डे की गल करते हैं, बहुत बड़ा दिन होंगे, साडा संविधान लिखा गया उस दिन। अगर उस दिन ये किसान जथेबंदियों का प्रदर्शन या कि संघर्ष जारी रहता है, तो तुम की सोचते हो कि दुनिया भर के विश्व के साडा एक संदेश की जाएगा? जब एक्चुअल में रिपब्लिक डे के टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए थे, तब उस टाइम के हिसाब से लिखे गए थे। अब जनरेशन आगे आ गई है, दुनिया बदल रही है, तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक वो अच्छा ही एक्चुअली बहुत पॉजिटिवली दुनिया में दिखेगा कि हमने सिर्फ अपनी वो एक पुराने रूल्स ही नहीं है, बल्कि हम न्यू रूल्स भी ला रहे हैं, और जो सबके हक में है, फार्मर्स के हक में है, आम जनता के हक में है, गवर्नमेंट्स के भी हक में होना चाहिए, तो आई थिंक अच्छा पॉजिटिव जाए। 19 साल दिया है, जवाब बहुत बढ़िया दे दो। अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री की गल करिए, फिल्मा देखते हो? जी हाँ। तो किड़ा गायक ते एक्टर की गल करा बढ़िया लगता है? जी मैं पहले मतलब इतना नहीं देखती, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पंजाबी देखती हूँ। दिलजीत दोसांझ मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे, अब वो बॉलीवुड में भी कर रहे हैं, तो मैंने इतना नहीं देखा। इसमें कोई एक स्पेसिफिक एक्टर नहीं पिक कर सकती, मैंने खुद पंजाबी फिल्म की है गुरदास मान जी के साथ, तो उनके साथ काम करना इट्स अ वेरी बिग ऑनर, और उनकी सिंगिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो अगर एक नाम लेना है पंजाबी इंडस्ट्री से, इट वुड बी गुरदास मान जी। अच्छा, उस चीर तो बाद कदे फिल्म पंजाबी इंडस्ट्री के वल तुम रुख नहीं किया कि स्क्रिप्ट जो है तुहाडे वर्गियां, मतलब तुम जिवें दी पसंद करते उस तरह की नहीं मिल रही सी, या करैक्टर रोल्स नहीं वधिया मिल रहे सी? जी हुआ ये था कि जब मैंने सुखमनी होप फॉर लाइफ की थी, उसके बाद फिर मैंने एक ब्रेक ले लिया था, एकेडमिक ब्रेक लिया था, क्योंकि उसके बाद यू नो 8th 9th 10th काफ़ी इनिशियल ईयर्स होते हैं,
तो तब मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था. अब नाउ आई एम अगेन डूइंग इट. और जैसे जो हमारा ग्लोबल टीवी, लाइक नॉट ग्लोबल, लाइक जो नेशनल टीवी है उसके ऊपर भी मैंने जो शो किया अभी रिसेंटली, वो भी पंजाब बेस्ड ही था, पटियाला बेस किया था. तो उसके बाद अभी आगे भी काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं, तो आई होप मैं कुछ पंजाब में भी करूँ. इसी साथी नाल रुचिता चंडीगढ़ पुज पहुंची सी ते दस रही सी इहदे बहुत सारी जो है गलबात चल रही है पंजाब दे विच. ये देखना बहुत ही दिलचस्प होवेगा किस फिल्म विच ये जो है आने हन. कैमरामैन दविंदर दलानी, रूप जलवान, फैक्ट न्यूज़. हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़.